उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीएस साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान सपा नेता रवि भूषण का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक साइकिल यात्रा के दौरान रवि भूषण की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में इलाज के दौरान रवि भूषण की मौत हो गई। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया है। बता दें कि साइकिल यात्रा में खुद अखिलेश यादव भी शामिल थे। इस साइकिल यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक आनी थी, लेकिन रास्ते में रवि भूषण राजन की तबीयत खराब हो गई और यह साइकिल यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। इसके बाद अखिलेश यादव खुद रवि भूषण को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रवि भूषण की मौत की पुष्टि की। रवि भूषण राजन की मौत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। सपा नेताओं ने रवि भूषण की मौत पर दुख व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक पीडीएस साइकिल यात्रा की शुरुआत में रवि भूषण एकदम ठीक थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं। साइकिल चलाने के दौरान अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल आने से पहले ही रवि भूषण की मौत हो चुकी थी। बता दें कि रवि भूषण के किसी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे लखनऊ जिले के मलिहाबाद इलाके के रहने वाले थे। बता दें कि अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता करारा जवाब देगी। वहीं भाजपा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।